अस्सलामु अलैकुम। आज डॉक्टर मोहम्मद विजारत रसूल ख़ान साहब ग्रैंड मेगा हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया है शादान हॉस्पिटल के अंदर, जो शादान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस से मशहूर है। ये हेल्थ कैंप ख़ास डॉक्टर शादान तहनियत मैडम के ज़ेर निगरानी है, और डॉक्टर सारिब रसूल ख़ान साहब इस कैंप के कर्ता धर्ता हैं। ये कैंप हर साल ऑर्गेनाइजेशन मुनक्किद करता था, कोविड होने की वजह से 2 साल से ये कैंप नहीं हो सका, जिसकी वजह से कई लोग फ्री इलाज से महरूम हो गए। ये कैंप आज 23 मई से लेकर 4 जून तक रहेगा। इस कैंप में सारे स्पेशलिटी, सुपरा स्पेशलिटी, मेडिकल, सर्जिकल, ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी के सारे इलाज होंगे और फ्री ट्रीटमेंट होगा। ख़ास तौर से सुपरा स्पेशलिटी के अंदर यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के भी इलाज फ्री किए जाएंगे। सारे मेजर और माइनर सर्जरीज भी फ्री होंगे। डिलीवरीज, नॉर्मल और सिजेरियन सेक्शंस भी फ्री किया जाएगा। पेशेंट को ना सिर्फ इलाज, इन पेशेंट, ICU, ICCU, पोस्ट ऑपरेटिव और मेडिसन फ्री, बल्कि इनके आराम के लिए और पेशेंट के फ़ायदे के लिए तकरीबन 8 बसेस का इंतज़ाम किया गया है, जो सिटी के वेरियस रूट से लगाए गए हैं। ये बसेस सुबह 8 बजे से शुरू होंगे और 9:15 तक हॉस्पिटल को पहुंच जाएंगे। ये सारे पेशेंट को जो इन पेशेंट में रहेंगे और आउट पेशेंट में रहेंगे, इनको दवा के साथ सारे इन्वेस्टिगेशंस भी फ्री है। इन्वेस्टिगेशंस के अंदर कॉस्टली इन्वेस्टिगेशंस जैसे कि अल्ट्रासाउंड है, MRI है, CT स्कैन है, एक्सरे है, लैब इन्वेस्टिगेशंस है, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, ये सारे इन्वेस्टिगेशंस भी फ्री रखे गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस कैंप से पिछले कैंप में भी हज़ारों की तादाद में लोग मुस्तफीद हुए। आज भी ये कैंप इनखेद हुआ, इसका कैंप में तकरीबन 1500 से 1800 पेशेंट्स आउट पेशेंट में देखे गए और कई पेशेंट कंटिन्यूसली आते जा रहे हैं। इन पेशेंट में तकरीबन हमारे पास आज एडमिशन 300 से 350 एडमिशन्स हो चुके हैं और सर्जरीज स्टार्ट हो गए हैं। 8 से 9 सर्जरीज हो गए हैं और कई सर्जरीज एक लाइनअप कर सिस्टमेटिकली टाइम देकर इनको सारे लोगों के सर्जरीज फ्री में किए जाएंगे। ये सर्जरीज़ के साथ साथ जो इन्वेस्टिगेशंस है, ये इन्वेस्टिगेशंस भी तकरीबन हज़ारों में ये इन्वेस्टिगेशंस लाइन अप हुए हैं और सारे इन्वेस्टिगेशंस ये पेशेंट्स के लिए फ्री है। और खाने का भी इंतज़ाम है इन पेशेंट में, ना सिर्फ पेशेंट के लिए बल्कि पेशेंट के साथ जो रहने वाले अटेंडेंट है, वो अटेंडेंट के भी लिए खाना फ्री कर दिया गया है। ये सारी कारगुजारी और ये सारा पेशेंट के फ़ायदे की प्लानिंग डॉक्टर मोहम्मद सारिब रसूल ख़ान साहब की है, जो ना सिर्फ पेशेंट के और एजुकेशन के बारे में सोचते हैं, बल्कि उनकी हेल्थ के बारे में, जो डॉक्टर मोहम्मद विजारत रसूल ख़ान साहब का विजन था कि हेल्थ, एजुकेशन और जैसे लोगों के लिए दूसरे ट्रीटमेंट्स वगैरह फ्री देना, ताकि गरीबों के लिए भी ये सारे चीज़ अफोर्डेबल हो जाएंगे। आज कॉरपोरेट और मेडिकल साइंसेस में सारे इलाज और सारे ट्रीटमेंट छोटे से लेकर बड़े भी बहुत महंगे हो चुके हैं। कॉरपोरेट हॉस्पिटल में तो ये गरीब लोग जा नहीं सकते और बड़े इलाज करा नहीं सकते। सारे ऐसे लोग यहाँ पर पूल अप होकर शादान मेगा हेल्थ कैंप के इंतज़ार में रहते, और जैसा ही अनाउंसमेंट हुआ
टेलीफोन जो हेल्पलाइन 12-15 हेल्पलाइन दिए गए लोगों की आसानी के लिए, वो हेल्पलाइन पर बेशुमार टेलीफोन्स आना शुरू हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का आना जारी है और ये 4 जून तक जारी रहेगा। इसको देखते हुए अगर जो टारगेट है शादान मैडम का कि लोग को ज़्यादा से ज़्यादा इसे सहूलत पहुंचाई जाए, अगर ये समझ में आ रहा है कि लोग को और इसकी ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह उस पर भी गौर करेंगे कि ये लोगों को सारे के सारे लोग को और ट्रीटमेंट भी बढ़ा सके। हम आप सबसे अपील करते हैं कि ये मेगा कैंप का भरपूर फ़ायदा उठाइए और गरीबों के लिए ये एक लाइफ सेविंग जो टाइप ऑफ मेगा कैंप होगा, जहां पर इवन कैंसर के सर्जरीज और गायनिक के बड़े बड़े सर्जरीज, औरतों के बीमारी होते हैं ENT के, कान नाक हलक के जैसे सर्जरीज भी फ्री किए जाएंगे। स्पेशली कार्डिया के 2D एकोज वगैरह जो कार्डिया के पेशेंट है, ये लोग भी आके कार्डिया इवेलुएशन टेस्ट करा सकते और इनके लिए इलाज भी फ्री होगा। ICCU का भी इंतज़ाम है, जहां पर भी इनके लिए स्पेशली जो है सो ट्रीटमेंट दिया जाएगा।